में एक ही परिवार के चार लोगों की गोली मारकर हत्या हुई है। अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, पति पत्नी और दो मासूम बच्चे को गोली मारकर उनके निर्मम हत्या की है। मृतक कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। शिवरतनगंज थाना स्थित माँ अहोरवा भवानी चौराहे का मामला बताया जा रहा है। अमीठे में हुई घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अमीठे में हुई घटना पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहां पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से, क्या इस घटना उस FIR का, उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है।